नमस्कार, आप देख रहे हैं टुडे 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी निर्वाण। महाराष्ट्र में ठाणे से कल्याण के बीच पांचवी छठवीं रेलवे लाइन का दौरा करने के बाद कल्याण के सांसद डॉक्टर श्रीकांत ने कहा कि 14 साल का वनवास अब खत्म हो गया है। ठाणे से कल्याण के बीच पांचवी छठवीं रेलवे लाइन का काम पूर्ण हो गया है और फरवरी के दूसरे सप्ताह से लोकल ट्रेनें 105 की स्पीड से दौड़ने लगेगी। बताया जाता है कि साल 2007 से 8 में इस परियोजना को मंजूरी मिली थी, लेकिन कई सालों तक यह परियोजना लंबित पड़ी थी। इसके लिए सांसद शिंदे ने लगातार प्रयास किया और 2015 से 16 में इस परियोजना को गति मिली। एलटीटी से कल्याण तक की यात्रा को सुगम बनाने के लिए सांसद डॉक्टर श्रीकांत शिंदे ने संसद तक में मुद्दा उठाया और अंत में उनके प्रयास से परियोजना पूर्ण होने की कगार पर है। रविवार को मेगा ब्लॉक के दौरान सांसद शिंदे ने मंडल रेल प्रबंधक शलभ गोयल एवं विलास वाडेकर के साथ दौरा किया। फरवरी के दूसरे सप्ताह से 105 की स्पीड में लोकल ट्रेनें के दौड़ने की बात कही। सर, क्या कहना चाहोगे? आपने छठवीं लाइन का भी यहाँ पे ट्रैक काम चालू हो गया पूरी तरह, किस तक कब ट्रेन दौड़ेगी यहाँ पे? फिफ्थ और सिक्स लाइन जो है वो कल्याण लोकसभा के लिए या थाने के आगे के प्रवासियों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट काम था। ये दो पाँचवीं और छठी लाइन का काम मंजूर हुआ था 2008-2009 में, 14 साल पहले, लेकिन इसका काम जो है वो असल में शुरू हुआ 2016 में। 2014 में जब मैं MP बना, उसके बाद फॉलोअप चालू किया हमने कि ये काम क्यों रुका है। तो उसके बाद बहुत सारे अड़चने थे उसके अंदर, लैंड एक्विजिशन का विषय था, अलाइनमेंट का विषय था, एनवायरमेंट क्लियरेंस का विषय था, उसी के साथ में PAPs का जो प्रोजेक्ट में अफेक्टेड लोग हैं उनका विषय था। ये सब जो विषय है वो विषय धीरे धीरे हमने सॉल्व करते आए और 2016 में जो है वो असलियत में इसका काम शुरू हुआ। ये और पाँचवीं और छठी लाइन का इम्पोर्टेंट ये जो है इम्पोर्टेंस है इसका, ये इम्पोर्टेंस है कि बाबा पाँचवीं और छठी लाइन के कारण पहले जो रेलवे की क्रॉसिंग होती थी, एक्सप्रेस आने के बाद लोकल को रुकना पड़ता था, लोकल आने के बाद एक्सप्रेस को रुकना पड़ता था, ये आने वाले समय में बंद हो जाएगा। हर एक लोकल को, मतलब स्लो लोकल को दो डेडिकेटेड ट्रैक, फास्ट लोकल को दो डेडिकेटेड ट्रैक और एक्सप्रेस को दो डेडिकेटेड ट्रैक अप और डाउन। इसके वजह से जो है वो फ्रीक्वेंसी में बढ़ोतरी होगी, रेलवे कहीं पर भी रुकेगी नहीं, क्रॉसिंग नहीं होगा उसके अंदर। तो ये पाँचवीं और छठी लाइन का इसका महत्व है। और पाँचवीं और छठी लाइन पूरी होने के बाद जो फरवरी 15 तक पूरी हो रही है, 3 मेगा ब्लॉक रेलवे ले चुकी है, बड़े बड़े काम उसके अंदर हो चुके हैं और 3 मेगा ब्लॉक रेलवे लेने वाली है 6 फरवरी तक। तो उसके जो बाकी काम है वो बाकी काम पूरे हो जाएंगे और ये जब भी पाँचवीं और छठी लाइन पूरी हो जाएगी तो पाँचवीं और छठी लाइन होने के बाद 40 से 50 सर्विसेज जो है वो रेलवे के बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी क्रॉसिंग के कारण फ्रीक्वेंसी हैम्पर होती थी, स्पीड हैम्पर होती थी। तो अभी ये पाँचवीं और छठी लाइन पूरी होने के बाद एक शटल सर्विसेज के रूप में रेलवे भागेगी थाने और कल्याण के बीच में, तो लाखों लोगों को जो है वो इसका पाँचवीं और छठी लाइन का फायदा होगा।